कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में फैलता जा रहा है, खास तौर पर दिल्ली में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली वुमन सेल की डीसीपी ने भी मालवीय नगर स्थित ऑफिस में सभी पुलिसकर्मी और कर्मचारियों को मास्क और सभी जरूरी सामान मुहैया करा दी हैं। एसीपी की और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, जिससे बिना मिले सभी जानकारी एक दूसरे को आदान प्रदान करते रह रहे हैं, जिससे मुलाकात करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही ऑफिस में आने वाले फरियादी कोई भी लंबी डेट यानी 31 मार्च के बाद की दी जा रही, ताकि लोग बाग ऑफिस में कम से कम आए और वो भी सुरक्षित रहें और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी भी सुरक्षित रहें। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर नोटिस भी है वो लगा दिया गया है। दिल्ली वुमन सेल मालवीय नगर में जो स्थित है वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो तैयारियां होती हैं वो यहाँ पर करी गई हैं। वुमन सेल में यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करी जा रही है, साथ ही साथ सैनिटाइजर यूज करने की बात कही जा रही है और मास्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का जो उपाय है वो ही इलाज है। इसी वजह से यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं उनको लंबी डेट दी जा रही है कि कम से कम वो लोग ऑफिस में आए, और जो ग्रुप है वो बना दिया गया। तस्वीरों में देखिए जो यहाँ पर वुमन सेल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, महिला हों या पुरुष, सभी ने मास्क लगा रखा है और जो लोग आ रहे हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं, और उनको यही हिदायत दी जा रही है कि कम से कम आएँ। और एक इसी वजह से एसीपी के द्वारा एक ग्रुप भी बनाया गया है जिसपे कि वो अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो भी ऑनलाइन यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से ही जो जानकारी हैं वो एक दूसरे से साझा कर रहे हैं कि कम से कम लोगों से मिलना जुलना हो। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दफ्तर के अंदर काम हो रहा है, यहाँ पर सभी लोग जो हैं मास्क लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस को टक्कर देना के लिए पूरी तरीके से जो दिल्ली है वो तैयार है, और यहाँ पर वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर दफ्तर के अंदर कामकाज किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से मास्क लगाए हुए हैं और काम को करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर और आप खुद यहाँ डीसीपी हैं, कैसे लोगों को काउंसलिंग में लोगों को किस तरीके से आप लोग हिदायत कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचना चाहिए? हमने अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें जब वो पब्लिक डीलिंग करते हैं तब। इसके अलावा हमने सैनिटाइजर, हमने वॉश, हैंड वॉश और बाकी सभी चीज़ों की व्यवस्था की है जो प्रिकॉशनरी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूरी हैं। हमने अपने काउंसलर जो काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने हैं पार्टीज, उनको भी डेट डेफर की है, इसलिए कि वो उनको इससे रिलेटेड पब्लिक डीलिंग की वजह से प्रॉब्लम ना हो पाए। मैम, जिस तरीके से मॉल बंद हैं, स्कूल बंद है, तो यहाँ पर आप लोग स्टाफ के साथ जो है अगर ब्रीफिंग ले रही हैं तो कैसे आप लोग क्या कर रही हैं? हमने अपने स्टाफ को पहली बार तो जो उनको जरूरी इक्विपमेंट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए जैसे कि मास्क हैं और सैनिटाइजर हैं, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की हैं। इवन जो वो टेम्परेचर चेक करने के लिए जो मशीन है उससे हम सुबह सुबह उनको चेक भी करते हैं, ताकि कोई अगर केस ऐसा निकले तो उसे हम अलग से भेज सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग कर रहे हैं विद द सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके, और हमने उनके लिए एसीपी के साथ में, एसीपी के अंडर जो स्टाफ है उनके साथ में उनका एक ग्रुप बना दिया है, ताकि उनको जितनी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है कोरोना से रिलेटेड, जो भी प्रिकॉशन है या जो भी जो उनको ख्याल रखना चाहिए, जो अपडेटेड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो उनको साथ के साथ शेयर हो जाए और उनको एक जगह इकट्ठे होके ब्रीफिंग ना झेलनी पड़े, ब्रीफिंग ना अटेंड करनी पड़े, क्योंकि उससे उनके संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है उनका, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हम उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि वो उससे जितना भी लाभ ले सकते हैं ले लें। जिस तरीके से कोर्ट बंद किया गया है कल से लेके, तो जो भी केस के लोग हैं डेट पर उसको अगली डेट दिया जा रहा है किसी को कोर्ट के अंदर, तो यहाँ जिस तरीके से वुमन सेल है यहाँ पर काउंसलिंग होता है, क्या वो डेट आगे बढ़ा के नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है और हम लोग कर भी रहे हैं।